हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीता और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं अपने किचन को एक न्यू लुक देना चाहती थी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ और उस क्वार्टर का किचन जो है बहुत ही स्मॉल है और उसमें प्रॉपर स्टोरेज भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि उस किचन को कुछ नया लुक दिया जाए और उसमें स्टोरेज स्पेस क्रिएट किया जाए। अगर हम किसी मॉड्यूलर किचन एजेंसी के थ्रू किचन बनवाएंगे तो उसका स्टार्टिंग रेंज ही 1 लाख के अबव होता है। इसलिए हमने अलग से ही एक कारपेंटर भैया को हायर किया है और वो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमें किचन बना करके देंगे। बस एक आइडिया के लिए हम लोग इस शॉप में विजिट करने आए हैं। यहाँ पर 3-4 मॉड्यूलर किचन के सैम्पल रेडी हैं, जिसको देख करके आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह की किचन बनवानी है। और यहाँ पे ये सारा सामान मिल जाता है, किचन रिलेटेड जो भी आपको काम करवाना है उससे रिलेटेड सारा सामान यहाँ पर एक ही शॉप में अवेलेबल रहता है। ट्रॉली वगैरह जो भी है मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगी कि मुझे अपने किचन में कैसी स्टेनलेस स्टील की ट्रॉली लगवानी है। तो ये है मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर का किचन। गवर्नमेंट क्वार्टर्स के बेसिक स्ट्रक्चर में हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। बस इस किचन में मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस क्रिएट करना है, उसी के लिए मैंने प्लानिंग की है। काउंटर टॉप के नीचे का जो स्पेस है वो ओपन है और ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसे क्लोज करवाना है। यहाँ पर मैं ट्रॉली वगैरह बनवाऊँगी, यहाँ पर कैबिनेट्स बनवा लूँगी और इस बर्तन वाले स्टैंड को भी मुझे हटाना है। और ये जो आरओ है इसका प्लग पॉइंट इधर है, तो इस आरओ को भी मेरे को शिफ्ट करा के कॉर्नर में लगवाना है और इसका एक प्लग पॉइंट है वो बाहर की ओर है तो सही रहेगा। और इस वाली वॉल पर जो कि सीधी लंबी वॉल है, इसमें मैं एक वॉल माउंट क्रॉकरी यूनिट बनवाने की सोच रही हूँ। तो आज सारा सामान भी आ गया है किचन बनवाने के लिए और मुझे कल ये किचन को शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पे खाली करना पड़ेगा ताकि कारपेंटर भैया यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर पाएँ, उनको एक फ्री साइट मिल जाए काम करने के लिए। आज है सेकेंड डे और मैंने किचन को लगभग खाली कर दिया है और स्टील यूटेंशियल वाला रैक मैंने हटा दिया है और आरओ को भी मैंने साइड में लगवा दिया है। और आज से कारपेंटर भैया अपना काम शुरू कर देंगे और उन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन तक आपके किचन का काम चलेगा। आई होप 4-5 दिन के अंदर मेरा किचन रेडी हो जाएगा। फाइनली मेरा किचन हो गया है रेडी और मैं आप लोग को दिखाने ले चलती हूँ अंदर। आइए मैं आप लोग को अपना किचन दिखाती हूँ। किचन, मैं आपको इसका एक बार इम्प्टी टूर करा देती हूँ कि मैंने इस किचन को कैसे बनवाया हुआ है। तो ये एल शेप का जो है काउंटर टॉप है और इसमें मैंने नीचे ऐसे ट्रॉली लगवा दी है। तो ये सबसे ऊपर मैंने लगाई है ये कटलरी रखने के लिए ट्रॉली, और सेकेंड में है छोटी प्लेट्स और कटोरी वगैरह रखने के, छोटे बर्तन रखने के लिए, और थर्ड में है थाली वगैरह रखने के लिए। अगर हमें थाली भी रखनी है तो इसलिए अलग भी हो जाता है और इसमें हम बड़े बर्तन रख सकते हैं। और फिर ये है एक पुल आउट,
उसके बाद ये एरिया है, ये कॉर्नर वाला एरिया है जिसमें सिंक बना हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे ही खाली ही छोड़ दिया है क्योंकि इसकी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। और उसके बाद ये आता है और इसमें मैंने एक सिर्फ प्लाई डलवा दी है ताकि कुछ भी बड़ा सामान रखना हो तो इसमें आसानी से आ जाए। इसमें मैंने बास्केट वगैरह नहीं लगवाई है। तो ये क्रॉकरी यूनिट बनवाई है, ये 7x2 फिट की है और इसमें पूरा ग्लास स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, स्लाइड हो जाता है तो इसमें मेरी सारी क्रॉकरीज आ जाएंगी। और तो मेरा किचन जो है बन करके रेडी हो गया है और इस किचन को बनवाने का सारा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने इतना अच्छा किचन बनवा के मुझे दिया है। कि मैंने तो बस सिर्फ एक लेआउट दे दिया था, बता दिया था कि इस कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए मुझे और ये चीज़ें मुझे अपने किचन में चाहिए, बाकी उसको सारा इम्प्लीमेंट कराने का और उसको तरीके से बनवाने का जो सारा काम है मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इस किचन को बनवाने में कौन कौन सी सावधानियाँ रखी गई हैं और किन बातों का ध्यान रखा गया है ताकि ये किचन थोड़ा लाइट कलर दिखे, क्योंकि इसका जो एरिया है काफ़ी स्मॉल है। तो कलर कॉम्बिनेशन हम लोग ने चुना था कि लाइट कलर का ही होना चाहिए। तो आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कुछ कि आपने इस किचन को बनाने में कितनी मेहनत करी। सबसे पहले तो घर के उस सदस्य से हमको डिस्कस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा वक्त इस किचन में गुजारता है कि वो कैसा मतलब अपना सेटअप चाहता है अपनी सुविधा के अनुसार कि वो किचन में उसको काम करने में आसानी हो। तो टिप नंबर वन यही है कि जो हाउसवाइफ हैं, जो होम मेकर हैं, उनको कैसा किचन चाहिए, उनको कलर थीम क्या चाहिए, क्या क्या उनको एसेसरी चाहिए उसमें, तो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के पहले उसको पॉइंट आउट कर लेना है। दूसरा स्टेप हमें ये रखना है कि अपने जो भी कारपेंटर से आपकी बात हुई है किचन को बनवाने के लिए, उसको सबसे पहले आप बुलाइए और कैसा आप सेटअप चाहते हैं, आपका बजट क्या है। ये जैसे कि हमारा एक गवर्नमेंट क्वार्टर है और यहाँ पे हम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते थे, तो हमने एक अपना मिनिमम बजट रखा हुआ था कि हमको इस बजट के अंदर ही वर्क करवाना है इसके, तो हमने एक कारपेंटर अलग से हायर किया था क्योंकि अगर हम कोई भी मतलब मॉड्यूलर किचन एजेंसी के थ्रू अपना किचन बनवाते तो वो 1 लाख के अबव ही पड़ता है उनका जो रेंट रहता है। तो हम लोग ने अलग से ही कारपेंटर को हायर किया था और उसने हमको हमारे बजट में ही किचन बना करके दिया है। तो सबसे पहले बजट की प्लानिंग करनी होती है कि हमको इस बजट के अंदर ही किचन बनवाना है। वो बजट था इस किचन को बनवाने का ज़्यादा हाई नहीं था, मीडियम बजट ही था। तो किचन के मटेरियल का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बास्केट होती है। ये जो बास्केट हैं ये SS से बनी हुई हैं और इसका हमें चुनाव करना पड़ता है कि ये SS सही क्वालिटी का है कि नहीं। तो इसमें कई प्रकार के ग्रेड रहते हैं, जो अच्छी ग्रेड का SS रहता है वो 303 ग्रेड का माना जाता है। तो कोशिश करिए कि मार्केट में ये बास्केट लेते समय अच्छी क्वालिटी की स्टील होनी चाहिए। ये वाली है कटलरी रखने के लिए, इसमें मेरी सारी कटलरी आ जाएंगी। और ये सेकेंड वाली है छोटी प्लेट्स और कटोरियाँ वगैरह रखने के लिए, और ये थर्ड वाली है बड़ी प्लेट्स और थाली वगैरह रखने के लिए। ये SS ट्रॉलीज जो हैं ओलका ब्रांड की हैं और इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, तो अगर इसमें कभी भी जंग की प्रॉब्लम हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इसको चेंज कर सकते हैं। इनके लिए बनवाया है स्पेशली, और इसमें मेरे सारे स्पाइस के कंटेनर्स आ जाएंगे और ये 3 टीयर का है। तो ये बास्केट भी काफ़ी महंगी आती है, अगर आप अच्छे ब्रांड का लेना चाहते हैं तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। इसका जो हम लोग ने माइका यूज़ किया है ये ग्लॉसी फिनिश में, और इसका जो कलर है वाइट कलर, ये फ्रॉस्टी वाइट कलर है क्योंकि प्लेन वाइट मैंने नहीं चूज किया क्योंकि उसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत जाती है, तो मैंने फ्रॉस्टी वाइट लिया है। और ये मेरी किचन की टाइल्स से काफ़ी हद तक मैच भी करती हैं, टाइल्स को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए ये वाला फ्रॉस्टी वाइट कलर का माइका यूज़ किया है। और इसके हैंडल भी हैं SS में हैं और काफ़ी शाइनी है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन बास्केट को किस में सेटअप कराना चाहते हैं, प्लाईवुड में कराना चाहते हैं या फिर एल्यूमिनियम फ्रेम में।
तो मैंने एल्युमिनियम फ्रेम को ज़्यादा प्रिफ्रेंस दिया, क्योंकि उसमें एक तो जंग लगने का खतरा नहीं होता है, दीमक वगैरह लगने का खतरा नहीं होता है, तो और ये हमें बजट फ्रेंडली भी पड़ता है। ये एल्युमिनियम फ्रेम है, ये जो हमारी ट्रॉली सेट है ये पूरे एल्युमिनियम फ्रेम में सेट है, ये ऐसे एल्युमिनियम फ्रेम बन जाते हैं। पूरा डिटैचेबल भी हो जाता है, आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं ट्रॉली को क्लीनिंग वगैरह के लिए, लेकिन इधर हमारे यहाँ काफ़ी स्पेस है तो हमें ट्रॉली को अलग भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हम क्लीनिंग कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एल्युमिनियम फ्रेम में बना हुआ है और ये ट्रॉली इसके अंदर हो जाती हैं। माइका का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान देना है कि बाहर की ओर आप ग्लॉसी साइन का सनमाइका चुनिए और अंदर की ओर आप मैट फिनिश का। मैट फिनिश सस्ता होता है और ग्लॉसी सनमाइका जो है वो महंगा होता है। अंदर माइका लगवाने से ये होता है कि जो ये प्लाई है ये पूरी सेफ हो जाती है, इस प्लाई पे किसी भी प्रकार की नमी जाने की संभावना कम हो जाती है। ये फुल साइज की क्रॉकरी यूनिट है और इसमें ग्लास स्लाइड दी हुई है ताकि जो भी क्रॉकरी हम इसके अंदर रखें वो फुली विजिबल रहे। ये क्रॉकरी यूनिट 19 mm की प्लाई में बनी हुई है ताकि इसमें पूरी तरह से मजबूती मिले। जैसे कि मॉड्यूलर किचन हम बनवाते हैं तो उसमें जो लेबर चार्ज होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? कारपेंटर इसमें दो तरीके से अपना चार्ज बताता है। पहला है कि रनिंग यानी स्क्वायर फिट, वो टोटल एरिया को स्क्वायर फिट में करके और उसको जो भी बात होती है किसी से 150 में होती है, कोई कारपेंटर 200 भी लेता है, तो स्क्वायर फिट के अनुसार वो तय होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो आप पूरा मटेरियल मंगा रहे हैं, यदि मान लीजिए आपका मटेरियल 10,000 का है तो उस मटेरियल का 25% वो लेबर कास्ट चार्ज करता है। हमारा जो मटेरियल था वो लगभग 20,000 का था, उस अकॉर्डिंग हमको 5,000 लगभग लेबर कास्ट आया है। किचन बनवाने में जो टोटल खर्च आया है हमारा वो 25,000 आया है और 25,000 में पूरी ट्रॉलीज बनी हुई हैं और ये हमारी बिग सी फुल वॉल माउंट क्रॉकरी यूनिट फुल ग्लास। 7 फुट लंबा, 2 फुट ऊंचा, ये टोटल जो स्क्वायर फिट लेंगे तो 14 स्क्वायर फिट है। रनिंग फुट के अनुसार चलेंगे तो 1400 इसका लेबर चार्ज बैठेगा। तो फ्रेंड्स, अपने किचन को बनाते समय हम लोगों ने बजट के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा है और हमने अच्छी क्वालिटी के मटेरियल को चूज किया है ताकि किचन में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो आई होप फ्रेंड वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही हो और अगर आप भी नया किचन बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये छोटे छोटे टिप्स काम में आएंगे। अपने किचन को शिफ्ट करने के बाद भी आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए न्यू होम किचन टूर लेके आऊँगी। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अभी नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।